नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप भी अच्छे से होंगे और आपकी गार्डनिंग भी अच्छे से चल रही होगी। और मैं अंशु जम्मू से। फ्रेंड्स, ये आप देख ही सकते हैं, ये एक ब्यूटीफुल टर्टल वाइन है, तो आज मैं इसी को ही कवर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हैंग करती हुई, ट्रेल करती हुई बड़ी ही ब्यूटीफुल लगती है। और फ्रेंड्स, ये जो टर्टल वाइन होती है, इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो फ्रेंड्स स्प्रिंग से लेकर समर तक इसका जो ग्रोइंग पीरियड होता है, और विंटर्स में जाके इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। और ये देख सकते हैं, ये मैंने इनको डिफरेंट वे में इनको स्टाइल करा हुआ है, और बिल्कुल किसी कुछ खास भी नहीं करा हुआ है। और ये एक मेरे वेस्ट प्लांटर में है, जो एक पीवीसी पाइप है, वहाँ पर जाके ये इसको मैंने ग्रो भी नहीं करा था, अपने आप इसकी जो कुछ ब्रांचेस थी वो इसमें गिरी और अपने आप ये ग्रो करती है। और इसके साथ साथ ये भी मैं बताऊँ, ये एक सकुलेंट वेराइटी का प्लांट है, जिसको ज़्यादा वाटर की नेसेसिटी नहीं होती है। ये अपने जो वाटर की जो ज़रूरत है वो अपने इन लीव से पूरी कर लेता है, और इनको ज़्यादा वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम कभी भूल भी जाते हैं इनको वाटर करना, देन ये तब भी बड़े अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये मेरे एक बॉटल है, बॉटल में अपनी इसकी ब्रांचेस गिरी थी और अपने आप ही ग्रो कर रही है। यहाँ पर मेरा एक हैंगिंग प्लांटर है, ये मेरा हैंगिंग पॉट है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी ब्रांचेस कहाँ तक जा रही हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, मतलब काफ़ी, ये बिल्कुल ज़मीन को छू रही थी, और ज़मीन को छूते हुए ये कितनी बार ये इनकी जो ब्रांचेस थी वो टूट भी चुकी हुई थी। तो इनको हम डिफरेंट, ये इतनी इजी टू ग्रो है, और बड़े डिफरेंट वे में हम इसको ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और जगह पे मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जाके ये मैंने एक पॉट में ग्रो करा हुआ है। ये हम इसको डिफरेंट वे में हम इसको लगा सकते हैं, स्टाइल तो कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम इसको मल्चिंग के लिए भी ये बड़ी काम आती है। गर्मियों में जब हमारे पॉट में अगर हमें मल्चिंग करनी होती, ब्यूटीफुल मल्चिंग करनी होती है, तो हम इस वाइन का बड़े अच्छे से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे एक फ्लावरिंग प्लांट लगा हुआ था, जिसको मैंने अभी कट कर दिया, और इसके नीचे ये देखो मल्चिंग की तरह ये अपने पे ग्रो हो गई थी, लेकिन आप इसको मल्चिंग की तरह भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, जिसमें आपके समर्स में आपके जो प्लांट उनको प्रोटेक्ट भी करती है, और ये ब्यूटीफुल भी लगती है। जब ये मल्चिंग होती है, हैंग करती है पॉट से बाहर, इसकी जो ट्रेल करती है बड़ी ही ब्यूटीफुल लगती है। अगर आप इसको हाइट में कहीं थोड़ी सी हाइट दे के अगर इसको रखें तो बड़ी ही सुंदर लगती है। तो मेरे कहने का मतलब है, ये बड़ी ही सुंदर लगती है, बड़ी ब्यूटीफुल वे में आप इसको स्टाइल कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं इसी की थोड़ी सी छोटी सी केयर डिटेल के ऊपर। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने ये बताया कि ये एक सकुलेंट वेराइटी का प्लांट है, जिसको ज़्यादा वाटर की नेसेसिटी नहीं होती है। और सबसे पहले बात करेंगे इसकी सॉइल के बारे में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इसको लगाएं, आप इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल में रखें, और जिसका ड्रेनेज बहुत ही अच्छा होना चाहिए। पॉट में अगर आप लगा रहे हैं तो किसी भी सॉइल में रख सकते हैं, जिसमें आप एक हिस्सा बालू मिट्टी लीजिए और उसमें थोड़ी सी कोकोपीट की मात्रा लीजिए, और उसमें कोकोपीट या गोबर खाद, जो भी फर्टिलाइज़र आपके पास है, आप उसमें ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको हैंग कर रहे हैं, तो हैंग के लिए आपको पता ही है कि हमें जो पॉटिंग मिक्स थोड़ा सा मीडिया थोड़ा सा सॉफ्ट देना होता है, ताकि जो हमारे जो हैंगिंग प्लांटर हैं वो हल्के रहें और वो गिरे नहीं। तो इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। और लोकेशन की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, ये जो मेरे देख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी बर्निंग भी यहाँ पर आई हुई है, और इसका कारण ये है कि मैंने इसको आउटडोर जाके मैंने थोड़ा सा सनलाइट में इसको रखा हुआ था। लेकिन आप जब भी इसको रखें, एक अच्छी सी लोकेशन में रखें, बड़े अंधेरे में मत रखें आप इस प्लांट को। हाँ, इसको जब भी आप रखें तो आप इसको कोशिश कीजिए, आप इसको ब्राइट सनलाइट, जहाँ पर बड़े अच्छे से थोड़ी सी 2-3 घंटे की धूप भी इसके लिए सफिशेंट है, क्योंकि इसको ग्रो के लिए इसको धूप भी बड़ी ज़रूरी होती है। लेकिन बड़ी ज़्यादा हार्श जो सनलाइट होती है ना, वो इसके लिए ज़रूरी नहीं है। और वाटरिंग, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, वाटरिंग आप इसको बड़े ही ध्यान से करें, और जब भी आप इसकी, क्योंकि सकुलेंट वेराइटी का प्लांट है और इसको ज़्यादा वाटर की नेसेसिटी नहीं होती, जब तक इसकी जो सॉइल है वो ड्राई ना हो जाए, तब तक आप इसको वाटर मत करिए। और इसके साथ लोकेशन की बात हो गई, और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि मैंने इसको ज़्यादा फर्टिलाइज किया ही नहीं है मैंने, और ये क्योंकि ये हैंगिंग में लगे हुए हैं, और हैंगिंग में मुझे बड़ा ज़्यादा जिस तरह से ये रखे हुए हैं, तो अब मैं समर्स के बाद जब इसका, तो मैं इसकी बड़ी काफ़ी हद तक इसकी जो ब्रांचेज है मैं कट कर देती हूँ, तभी अपने आप ही ग्रो कर ले। मैंने कभी इसको फर्टिलाइज़ भी नहीं किया, तो इनको इतनी ज़्यादा फर्टिलाइज़ की ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन हाँ, साल में आप 2 या 3 बार इनको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं,
और इसकी प्रूनिंग करते रहिए। ये बड़े अच्छे से बुशी भी हो जाते हैं, डिफरेंट वे में ट्रेल भी करते हैं, बुशी लुक भी देते हैं। मतलब आप चाहें तो इनको अपनी क्रिएटिविटी से डिफरेंट वे में आप इसको स्टाइल भी कर सकते हैं। वाटर का थोड़ा सा ध्यान रखिए, वाटर आप इसको लोकेशन के लिए आप इसको ब्राइट सनलाइट में रखिए। और ये एक मैं लुक आपको दूर से दिखाती हूँ फ्रेंड्स, बड़ी ही सुंदर बड़ी ही ब्यूटीफुल वाइन है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। जैसे कि मैंने ये बताया कि मैंने इनको डिफरेंट वे में हर जगह मैंने इनको डाला हुआ है। अगर मैं यहाँ से बताऊँ मतलब कोई जगह नहीं है जहाँ पर मैंने इनको डाला नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर है, थोड़ी थोड़ी सी भी ट्रेल करती हुई बड़ी ही सुंदर लगती हैं। यहाँ पर दिए देखिए, आपने आपको कहीं जगह पर जाके तो आप ये देख ही सकते हैं कहाँ कहाँ ये लगी हुई थी। अभी भी ये थोड़ी सी, क्योंकि मेरे ये टेरेस में है, थोड़ी सी धूप की वजह से भी इसकी इस प्लांट को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ये बड़ी ही ब्यूटीफुल लगती है, बड़ी सुंदर लगती है। प्रोपोगेशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि बड़ी इंटरेस्टिंग, छोटी छोटी ये जो कटिंग है फ्रेंड्स, ये बड़ी ही सुंदर बड़ी ईजिली ग्रो हो जाती है। तो कहीं भी आप इसको रख दीजिए, आप इसको अपनी अपर सॉइल में एज इट इज़ ऐसे ही रख दीजिए। ये बिल्कुल ऐसे छोटी छोटी कटिंग्स बड़ी इजीली ग्रो हो जाती है। इसको सॉइल में इनको डालने की भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ ऊपर रखने की ज़रूरत होती है। तो ये 3-4 दिन के बाद अपने आप इनकी ग्रोथ, इतनी जल्दी इनकी ग्रोथ हो जाती है, कुछ कहने की बात नहीं। और आशा करती हूँ आज का ये मेरा जो टर्टल वाइन पर ये छोटा सा ट्यूटोरियल है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय।